जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा। ओए हाथ ऊपर कर लो दोस्तों, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। चिंचे, ये तो आपका डायलॉग था। चाचा के होते हुए कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता। वाह चाचू, आपने तो कमाल कर दिया। पर आप शेल्फ में से कैसे आ गए, दिखे ही नहीं। ओ ये तो खोजी का कमाल है। तू डंका चोर है तो मैं भी गिरगिट जासूस हूँ। इस स्प्रे की मदद से किसी भी चीज का रूप लेकर छुप सकता हूँ मैं। अब चल थाने। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। डेगड़ रूटी डोड़ी है। श्रीमान, घर में हो गंदगी की मार या रोज नहाने से हो परेशान, पेश है खास आपके लिए रंग बिरंगी परफ्यूम की दुकान। ओए तू तो चलती फिरती दुकान है, लेकिन मुझे परफ्यूम नहीं चाहिए। रुको तो, सूंघने का पैसा नहीं लगता श्रीमान। ओए ऐसे कार में क्यों कुस रहे हो भाई? एक गिलास पानी पिला दो चाचा, गला सूख के रेगिस्तान हो गया है। पानी, पानी। अच्छा अभी लाता हूँ। ओए कहाँ चला गया? ओए वो देख भतीजे, डंका और टोलकी आ रहे हैं। ओए इन्हें तो कल ही पकड़ा था लेकिन थाने से भाग गए, आज नहीं छोड़ेंगे। आज तो चाचा भतीजा नहीं है, आज मजा आएगा। ओए होए लगता है गलती से लग गई। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। ओए भतीजे क्या वो मुझे देख रहे हैं? हाँ चाचू, हम तुम्हें देख सकते हैं। चाचू ये स्प्रे तो काम ही नहीं कर रहा है। अच्छी चाचा, ये मेरा स्प्रे नहीं है, इसमें तो किसी ने प्याज का पानी डाला है। अच्छी, ये कैसे हो सकता है? चाचू आपने इस स्प्रे के बारे में किसी को बताया था क्या? कोई नहीं। तो असली बॉटल जैसी दिखने वाली ये नकली बॉटल कहाँ से आ गई? अच्छी आया। कौन आया? अच्छी याद आया, उस परफ्यूम बेचने वाले ने इस चाचा को मामा बना दिया। इससे पहले कि वो परफ्यूम वाला स्प्रे का गलत इस्तेमाल करे हमें उसे ढूंढना होगा। हेलो बंदूकनी जी। ओ किधर हो चाचा भतीजा, शहर में चोरियां होवे। कब से हो रही हैं चोरियां? ओ कल शाम से ही रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आवे से, कुछ ना समझ आवे भतीजे कैसे करता है यो, वो चोर तो दिखता ही ना से। कल शाम से और वो चोर दिखता नहीं है, और चाचू के घर से वो स्प्रे कल शाम को ही चोरी हुआ था। इसका मतलब वो चोर वही परफ्यूम बेचने वाला सेल्समैन है। अब क्या करें भतीजे, कैसे पकड़े उसे? उस गिरगिट को पकड़ने का एक प्लान है मेरे पास, लेकिन आप सबको मेरी एक हेल्प करनी होगी। वो कैसे भतीजे? अच्छा सुनिए। ओके भतीजे। ओए सब लोग कान खोल कर सुन लो, भल्ला जी के ऑफिस के करोड़ों रुपए के हीरो को आज शाम 5 बजे बैंक की तिजोरी में ले जाएंगे, कोई भी उस वक्त बाहर ना नजर आए। ओए भतीजे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है वो चोर हीरो की खबर सुनकर आएगा? आएगा आएगा।
जाएगा। ओए पल्ला जी, ये खोजी का पुराना आविष्कार है, ये एक स्पेशल पेंट है, सिर्फ रेडियम लाइट्स में ही दिखाई देता है। तो उसे यहाँ क्यों लगा रहे हो? चोर चोरी करने के लिए कैमोफ्लेज स्प्रे का इस्तेमाल करेगा, ऐसा करते ही ये पेंट उसके बदन पर लग जाएगा और हम उसे देख सकेंगे। वो ये क्या, वो हीरो का बैग कहाँ गया? अरे अरे वो आ गया, जल्दी कुछ करो। बंदूकनी जी लाइट्स ऑफ कर दीजिए, चाचू दरवाजा बंद कर दो। लेजर लाइट, अब दिखाओ अपना कमाल। चाचू चोर मिल गया, वो कहाँ पर? वो कहाँ, वो यहाँ तो पूरा अंधेरा है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। तेरी सैलरी से 100 रुपए कट। चाचू ये तो चालक चोर है। रथ बहादुर चल जल्दी। टेंशन मत लीजिए बंदूकनी जी, अगर वो छुपना भी चाहे तो वो छुप नहीं सकता क्योंकि उसकी बॉडी पर पेंट लगा हुआ है। ये ले एंटीडोट, इससे उसका कैमोफ्लाजिंग पावर कम हो जाएगा। थैंक यू खोजी अंकल। मुझे बेवकूफ बना के मुझसे वो स्प्रे चुराया तूने? रुक जा, अभी तुझे दिखाता हूँ मैं। अरे बावड़ी बूझ पल्ले ना पड़ा था रे, सब तन्ने देख सके से। ये क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा लोहे का ही बन गया। खोजी अंकल ये क्या हो गया? लगता है केमिकल इंबैलेंस हो गया, मेरे एंटीडोट से वो कैमोफ्लाज बंद हो गया लेकिन उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत मिल गई है। पतीजे ये तो सबका बैंड बजा रहा है, वो कुछ दिमाग लगा। आइडिया, अगर ये लोहे जैसा बन गया है इसका मतलब ये पानी में तैर नहीं पाएगा। चाचू बंदूक दीजिए, इसे नदी वाले पुल की तरफ ले जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा चालक चोर। क्या दिमाग लगाया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों वही चाचा? ओए हाँ भतीजा।
फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा।